चल रही है। स्टॉप में तो कितना टाइम लगता है, देखते हैं ट्रांजिट में। अभी हम प्लेन डिपोर्ट कर चुके हैं और अभी हम प्रस्थान करेंगे डोमेस्टिक ट्रांसफ़र की ओर। और इसमें कितना टाइम लगता है इस हिसाब से आप प्लान करेंगे। तो चलते हैं डोमेस्टिक ट्रांसफ़र की ओर। तो ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं इससे कनेक्टर ब्रिज बोलते हैं, इससे इस ब्रिज टेम्प्रेरी होती है, जो लगती है फिर निकाल भी सकते हो। तो सामने है बैगेज क्लेम, जिन लोगों को बैग चाहिए और सामने जाएंगे लगेज कलेक्ट के लिए। हम यहाँ से डोमेस्टिक ट्रांसफ़र हम चलते हैं इधर से। एक बार देखो तो ये है डोमेस्टिक ट्रांसफ़र, मेल वन साइड, फीमेल अनदर साइड। तो यहाँ सामने फिर से सिक्योरिटी चेक होगी और हम हमारे गेट की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। पहले सिक्योरिटी चेक करवा लेते हैं, सामने चल रही। हमारी सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है और हम हमारे गेट की ओर जा रहे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, तो बहुत सारे गेट्स हैं। तो हम चलते हैं हमारे गेट की ओर। तो गेट नंबर 104 है, तो अब तक 20 मिनट लगा है, 10:10 लैंड हुए थे, अभी 20 मिनट लगा है यहाँ तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे हम पहुँच जाएंगे। आपकी चलने को सुगम बनाने के लिए बहुत सारे एस्केलेटर लगे हैं हैदराबाद एयरपोर्ट में, तो आप इसकी सुविधा लेके शीघ्र आपके गेट के पास पहुँच सकते हैं। फ्लाइट हमारी लैंड हुई थी 10:10 पे, और ये गेट नंबर 104 पे पहुंचने के लिए मैं 20 मिनट लगे सिक्योरिटी से आके। तो अगर आपकी लेबर टाइम आधा घंटा कंफर्टेबल होगा तो आप देखिए 45 मिनट्स अगर आपकी लेबर टाइम है बोर्डिंग के लिए,
तो बिल्कुल आप आ सकते हो। तो 20 मिनट लगते हैं, 20 से 30 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है आपका लैंडिंग से आपको गेट तक पहुंचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा हैदराबाद में। तो उस तरह से आप प्लानिंग करिए, आधा घंटे से कम है अगर लेबर टाइम तो आप इसे अवॉइड करें। तो बस इतना था जानकारी और हैदराबाद एयरपोर्ट दिखा देता हूँ घुमा के। It is mandatory to wear a face mask in the airport premises. Please only use it for safe disposal of your बड़ा बड़ा एयरपोर्ट है, ये विश्व से बड़ा है और बहुत सारे फ्लाइट यहाँ पर फ्लाइट हैं। तो इतना और कुछ जानना है तो मैं सबसे मैं पूछ लेगा। ये था ट्रांजिट टाइम के, फिर जयपुर जाएंगे यहाँ से, जयपुर में लैंड करके फिर होटल के जाएंगे और मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। फिर जयपुर में जो सिटीज ट्रैवल करेंगे उसकी थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाऊँगा। दैट्स इट, बाय।